सरकार ने विधानसभा चुनाव ऐलान होने से पहले पेट्रोल डीजल व एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव ऐलान होने से पहले पेट्रोल डीजल एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला लिया। गुरुवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तेल कंपनियों की एक रुपया रेट कम करेगी, इस तरह पेट्रोल डीजल 2 रुपए 5 पैसे सस्ता हो जाएगा। राज्य को भी इतनी ही कीमतें कम करने के लिए कहा गया ताकि उपभोक्ताओं को तत्काल 5 रुपए तक की राहत मिल सके। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली कमी होने से जहां थोड़ी राहत महसूस की, वहीं लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से दाम बढ़ाए गए हैं, अगर उसी हिसाब से दाम कम किए जाए तो सही राहत मिल पाएगी। महंगाई से 2 रुपए की मामूली कमी लोगों को नाकाफी बताते हुए कहा कि सरकार एक बार में 10 रुपए का दाम बढ़ा देती है और फिर 2 रुपए कम कर देती है। 2 रुपए की कमी को लोगों ने सरकार द्वारा जनता से किया गया मजाक बताया है और कहा कि जीएसटी में लाए जाए तो लोगों की असली राहत मिल सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 2 रुपए की कीमत से लोगों की महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं। नहीं, तेल तो घटाया अच्छी गल है, पर फिर बधाना वो ठीक नहीं है ना। बार बार चेंजेस ले आने हैं। बहुत ज़्यादा रेट है तो जो हूँ घटाया गया तो उसी से संतुष्ट हो? नहीं, थोड़ा बहुत और घटना चाहिए, जिमें 70-72 दे दी पहले उत्थे खावे ठीक है। जो दामों में कमी कटौती की गई है उसके बारे में क्या कहना है, कितनी राहत महसूस की लोगों ने? इससे लोगों को बहुत ज़्यादा राहत महसूस हुई है और लोग की और भी चाहते हैं थोड़ा नीचे हो रहा है, सबके लिए फायदा होगा इससे। तो लग रहा है कि और भी इस अगर पीछे आएंगे तो महंगाई कम होगी? जरूर फर्क पड़ेगा महंगाई में। तो और दाम और कम होने चाहिए? जरूर सर, कम होने चाहिए, नीचे आना चाहिए, तभी सबका फायदा होगा। लुधियाना से अभिषेक बहल, सिटी होम न्यूज।